नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2016 का एंट्रेंस टेस्ट फरवरी में होने वाला है। इंजीनियरिंग के लिए छात्रों के लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी है। कुछ को तो कामयाबी मिल जाती है, जबकि कुछ अपनी कुछ कमियों के कारण पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, राकेश कुमार हमारे साथ हैं। स्वागत है राकेश जी स्टूडियो में आपका। तो अगर गेट की तैयारी से आप कोई सवाल आपका जुड़ा हुआ है, उसी से आप पूछना चाहते हैं, इस समय आप क्या ऐसा खास कर सकते हैं जो आपका एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो और आपको सफलता दिलवाए, तमाम सवाल आप हमसे जान सकते हैं। नंबर हम लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। चर्चा भी करेंगे हम इस पर, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा इंजीनियरिंग के सभी विषयों में मास्टर डिग्री के लिए होती है। इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देश के सातों आईआईटी संस्थान, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, गेट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर करती है। ये परीक्षा सभी चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और लगन की जरूरत होती है। अगर आप गेट एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी तैयारी शुरुआत से ही करनी होगी। 5 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। हर विषय को बराबर समय देने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। योजना के अनुसार रिवीजन करें और प्रैक्टिस टेस्ट को भी सॉल्व करें। अगर आप पहली बार ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, तो इसके लिए पैटर्न को भी अच्छी तरह से जान लें। गेट एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप एग्जाम में वक्त का सही इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको एग्जाम के पैटर्न को जानना बेहद जरूरी है। गेट एग्जाम में परीक्षा देने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें कुल 65 प्रश्न होते हैं। गेट एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसमें आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में 4 विकल्प होते हैं, जबकि दूसरी तरह के प्रश्न में किसी संख्या के रूप में जवाब देना होता है। 3 घंटे पूरे होते ही कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाती है और पेपर खत्म हो जाता है। 1 महीने बाद रिजल्ट घोषित होता है। गेट एग्जाम आपके भविष्य के रास्ते आसान करता है। तो आप गेट से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उनके जो सवाल होंगे वो तो हम लेंगे ही। अलावा इसके अभी चूंकि फरवरी में ही है, एक तरीके से 11th आवर है, एकदम एज पर हैं स्टूडेंट्स, क्या टिप्स आप उनको देंगे, क्या कहेंगे कि इस दौरान वो क्या करें? अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है किसी भी विद्यार्थी के लिए प्रिपरेशन के वक्त, वो रहता है एक स्टडी फॉर्म ऑफ रिविजन। अगर रिवीजन पे सही ध्यान ना दिया जाए, तो जो पूरी तैयारी जो साल भर की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उनको लास्ट 11th आवर, जैसे आपने भी कहा, उसमें उनको थोड़ी सी परेशानी होती है अगर रिवीजन सही तौर पे इस लास्ट मंथ में नहीं किया जाए तो। ठीक है। और अलावा इसके कुछ ऐसी चीज़ें जो बच गई हों, तो गाइडेंस कहाँ से लें, और उस रिवीजन में उनको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? रिवीजन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, चाहे जो भी गेट एस्पिरेंट किसी भी ब्रांच से अपने गेट पर अपियर कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि अपने की सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जिसपे गेट का सबसे ज़्यादा वेटेज हो। ज़्यादा हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को अभी रिवाइज करना उनके लिए एग्जाम में काफ़ी सफलता का एक कारण बन सकता है। किताबें निश्चित है उन्होंने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सारे उनके पास पेपर्स रहे होंगे, पुराने कुछ एग्जाम्स को उन्होंने ज़रूर स्टडी किया होगा, लेकिन बावजूद उसके भी एक होता है ना कि परीक्षा के बारे में जानना कि कैसे पैटर्न रहेगा, क्या कुछ करना है, उस सब को लेकर किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि अभी गेट के द्वारा जो एग्जाम संचालित हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वो दे सके। इस मंथ में जितना वो टेस्ट दे पाएंगे, उतना उनको उस एग्जाम की तरफ एक ओरिएंटेशन हो पाएगा। वो समझ पाएंगे कि कहाँ पे वो चूक हो रही है, कहाँ पे समय की पाबंदी पे उनके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो टेस्ट इस मंथ में देना उनके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अनिवार्य रहेगा। एक चीज़ और होती है कि टाइम, क्योंकि 3 घंटे हैं, एकदम शटडाउन हो जाएगा आपका सिस्टम, तो वो जो स्पीड है वो मैच कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसको लेकर कितनी प्रैक्टिस आपको लगता है कि करनी चाहिए? कि एक थंब रूल देखिए, होता नहीं है किसी के लिए भी, कोई 2 बारी में हो सकता है कि अच्छे से कर ले, किसी को 4 बारी लगते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर गेट के क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, तो 65 क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे में उन्हें इनका उत्तर देना होता है। तो तकरीबन हर क्वेश्चन पे 2.5 मिनट से ज्यादा का वक्त एक विद्यार्थी को मिल नहीं रहा है। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अपने समय को मैनेज करना, बिकॉज इस एग्जाम में जो देखा गया है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में स्टूडेंट्स
समय के पाबंदी के कारण उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है वो है कि जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने उस क्वेश्चन अटेम्प्ट को क्लॉक करें, देखिए कितना वक्त लग रहा है एक सवाल को बनाने में और उसका असेसमेंट करके उस पर इम्प्रोवाइज भी करें। टेस्ट का जिक्र आपने किया कि ज्यादा से ज्यादा वो टेस्ट दे पाए, मॉक टेस्ट जो होते हैं या टेस्ट होते हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, टाइम उसमें अच्छे से पता चलता है या आपको ये मालूम चल जाता है कि यहाँ आप लैग कर रहे हैं? एक्चुअली किसी भी टेस्ट को देते वक्त एक स्टूडेंट जब उस टेस्ट को खत्म कर लेता है तो उस टेस्ट की एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट उसको मिल जाती है जहां पे वो अपने हर क्वेश्चन पे किए गए गलतियों को देख सकता है, हर क्वेश्चन पे अपने बिताए हुए समय पे रिफ्लेक्ट कर सकता है और इस तरह से वो पूरा असेसमेंट उसको ये मदद करता है कि आगे जो इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है जो रियल गेट में उसे करना है उसके लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो असेसमेंट वो अपने पुराने टेस्ट का करे उस पर कहाँ गलतियां हो रही हैं, कितना समय क्वेश्चन पे जा रहा है उस पर उसे ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है और टेस्ट देते रहिए और आप वहां तक जो रिजल्ट आपको चाहिए वहां तक प्रैक्टिस कर करके ही पहुंचेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, हरीश है हमारे साथ, स्वागत है हरीश आपका, सवाल पूछ लीजिए अपना। नमस्कार जी। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी पीजी कर लिया हो जो कंप्लीटेड एमटेक, तो उसके बाद गेट का क्या महत्व है सर? जी हरी जी, आपका जो सवाल है उसमें महत्व बहुत ज्यादा है बिकॉज अभी गेट के थ्रू दो चीजों का फायदा उठाया जा सकता है इवन दो अगर आपने एमटेक कर रखा है। जो दो फायदे हैं वो ये हैं, पहला है कि उन्हें डायरेक्ट पीएसयू में जॉब्स मिल सकते हैं, तकरीबन 47 ऐसे पीएसयूज हैं जो अभी गेट के थ्रू जॉब्स दे रही है और ये जॉब्स जो होती हैं ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। मतलब इसमें ग्रेड ए का मतलब मैं बताना चाहूंगा कि 15,600 का ग्रेड पे होता है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अगर उन्हें अब आईआईटी में डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है जैसे वो प्रोफेसर बन सके तो उसमें भी गेट स्कोर ही आपको आगे ले जाएगा। ओके, ऑनलाइन है ये परीक्षा तो ऐसे में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो चार होना पड़ता हो और कैसे कोप अप करें फिर वो उससे? जी, सबसे अनिवार्य जो इसमें होगा वो होगा कैलकुलेटर का जो यूज है बिकॉज इस गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इनका अपना ऑनलाइन कैलकुलेटर रहता है जो आईआईटीज अपना क्रिएट करती हैं। ओके, तो इसके लिए इनको इन पे हैंड्स ऑन होना पड़ेगा बिकॉज इनका अपना ही एक यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना आप टेस्ट देते हैं आपको वो कैलकुलेटर के तरफ और ज्यादा हैंड्स ऑन होने में मदद होता है और आप उसको यूज कर पाते हैं। जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो यही है कि जो कैलकुलेटर आएगा रियल गेट एग्जाम में वो थोड़ा हमारे डेली कैलकुलेटर से बहुत डिफरेंट होगा, तो उसके ऊपर हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि या तो देखिए कोचिंग वो लेते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी पर रिलाय करते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी जो वक्त है क्या सिर्फ वो सेल्फ स्टडी या फिर कहीं पर अगर उनको लगता है कि हाँ हम अटक रहे हैं तो हमको गाइडेंस चाहिए है क्या करना चाहिए? अभी किसी भी कोचिंग का लास्ट एक मंथ पे कुछ ज्यादा रोल रहता नहीं है बिकॉज जो दिसंबर तक आपने प्रिपरेशन की है अब उस पे ही आपको इम्प्रोवाइज और असेसमेंट की जरूरत है। जी, अगर अभी आप 11th आवर में और कुछ लर्न नया करेंगे तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आप गेट केओस तो होगा ही, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है स्टूडेंट का। इससे अच्छा है जो अभी तक पढ़े हैं उसका ही असेसमेंट कीजिए और उस हिसाब से गेट को आगे अप्रोच कीजिए। ठीक है, टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती है? क्यों देखिए टॉपर्स तो चुने हुए कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उस रैंक तक पहुंचते हैं जिनको हम फिर टॉपर्स कहते हैं, उनका कोई एक सेट पैटर्न क्या रहता है कि जिसको और लोग फॉलो कर सकें और वो भी वहां तक पहुंच सकें? सबसे बड़ा जो टॉपर में हर साल जो टॉपर्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे कॉमन चीज है जो देखने की है वो ये है कि प्रिपरेशन वो जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो अगर गेट जैसे एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो उसमें प्रिपरेशन आपको थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज सिलेबस चाहे किसी भी ब्रांच का हो गेट में, गेट 23 ऐसे ब्रांच पे कनेक्ट किया जाता है, हर ब्रांच अपने आप में यूनिक है लेकिन उसमें आपको शुरुआत बहुत जल्दी करनी पड़ेगी बिकॉज एग्जाम का कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी। देखिए हम डराना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि फेब में तो एग्जाम है ही, अगर किसी ने थोड़ा कम भी किया है तो घबराए नहीं, लेकिन कितना एक ऑन एन एवरेज अगर आप टाइम दें क्योंकि देखिए ये एग्जाम अभी है फिर आगे और एग्जाम्स हैं जो लोग हमको सुन रहे हैं और जो जाना चाहते हैं इस तरफ, कितना एक ऑन एन एवरेज टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? जी, जो अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, सवाल को मैं दो भाग में बांट देता हूँ, जो अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए तैयारी। ओके, एक साल का तैयारी वक्त काफी है किसी एवरेज स्टूडेंट के लिए भी कि वो गेट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को अपीयर कर पाए और उसे क्रैक कर पाए। रही बात जो अभी है जिनके पास अब कुछ महीना भर का वक्त रह गया है उससे भी कम रह गया है, उनके लिए तो एक ही असेसमेंट है अभी मेरा कि वो अभी
ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना रिविजन पे दें और उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान लगाएं जिसपे वेटेज गेट का ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में। किसी भी क्वेश्चन को कई बार ये कहा जाता है कि आप 5 से 7 बार ही कर लेते हैं तो एक तरीके से आपको एकदम ब्लॉक हो जाता है, वो कंप्यूटर की तरह फीड हो जाता है आपके दिमाग में। तो किसी भी चीज़ के लिए जब हम प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो रिवीजन है या उसको करने का जो है जो साइकिल बनता है वो कितनी बारी का होना चाहिए? रिविजन साइकिल जो होना चाहिए वो कम से कम गेट लेवल पे 2 बार तो होना ही चाहिए किसी भी विद्यार्थी के लिए। हालांकि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि फीड होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है तो एक एवरेज बेंचमार्क जो बना सकते हैं वो ये है कि जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको सिर्फ कम से कम 2 बार तो रिवाइज बिल्कुल करें। ठीक है, मनोज शर्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है मनोज जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ सर, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार, ये मैं सर पूछना चाहता था गेट लाइफ में एक बार देंगे देना पड़ेंगे या फिर उसको जैसे मान लीजिए अगर एक मतलब गेट में क्लियर किए और उसके बाद कोई कॉलेज उनको मिला, ठीक है सर, अगर पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं जी तो अगर कोई कॉलेज में अगर जाना है एमटेक करने के लिए तो एमटेक कर लिए, अगर उसके बाद वो कंटिन्यू 2 साल कर लिए एमटेक करके निकल गए, उसके बाद में अगर उनको सर्विस के लिए अगर जाना पड़ेगा मान लीजिए तो फिर गेट का एग्जाम देना पड़ेगा क्या सर? जी बिल्कुल, अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी 2 तरह की हैं अभी, जैसे मैंने पहले भी कहा 47 ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो सिर्फ गेट से ही नौकरी दे रही हैं, तो अगर उनमें से किसी में आपको अप्लाई करना है तो आपको दोबारा गेट लिखना पड़ेगा। ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं जो अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट कराती हैं तो उसके लिए आपको उनका एग्जाम अलग से लिखना पड़ेगा। दिलीप सिंह एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है दिलीप जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी हमें एक मतलब जी मैं मानी से नहीं कर रहा हूँ जी। जी मानी ब्रांच से, तो उसके लिए क्या मतलब माइनिंग आप कह रहे हैं? जी जी हाँ माइनिंग ब्रांच जी। माइनिंग इंजीनियरिंग में पीएसयू रिक्वायरमेंट तो बहुत कम होता है, वैसे कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप अपने गेट स्कोर का फायदा उठा सकते हैं एप्लीकेशन करते वक्त। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फायदा गेट का हो सकता है माइनिंग में वो ये हो सकता है कि आप एमटेक कर सकते हैं आईटीज में जाके, जहां पे आपको अच्छे कैंपस प्लेसमेंट की अनुभव प्राप्त हो सकती है। और इसमें आपने बताया कि जैसे 65 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का आपको वक्त मिलता है, इसमें मल्टीपल चॉइस भी आपके पास है, न्यूमेरिकल भी आपके पास है। न्यूमेरिकल्स तो क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार तो आप वहाँ पर एक सफलता पा लेते हैं, मल्टी चॉइस जो है वो कई बार इतना कन्फ्यूजिंग होता है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं, सब चॉइसेस आपको सेम नज़र आती हैं। मतलब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, बाकी जो लोग इतनी प्रिपरेशन करते हैं शायद उनको ऐसा ना भी लगता हो, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक्चुअली आपके पास एक एडवांटेज है अगर आप मुझसे पूछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अगेंस्ट में, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गेट में ऐसे आते हैं जहां पे आपको कोई आपको आंसर खुद से निकालना है और सही आंसर की करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो कभी ना कभी आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आंसर पे अराइव कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा गेट एस्पिरेंट्स के लिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आंसर्स पे अराइव करें, उस पर आपके समय की भी बचत हो सकती है और कुछ क्वेश्चंस जो शायद आपको टफ लग रहे हो जो आप पूरा ना बना पाए लेकिन एलिमिनेशन से आप शायद सही उत्तर पे पहुंच पाए। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कितना हेल्प आउट करते हैं? बिल्कुल, बहुत मदद रहता है उनका। हालांकि गेट में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, अगर आप 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर को पूरे रिवाइज कर रहे हैं, पूरे उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपको आने वाले गेट एग्जाम में मदद तो करता ही है। ओके, और कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स ये सब क्लियर करने के लिए आपने बताया कि एक प्रैक्टिस जो है वो आपको काफ़ी आगे तक लेकर जा सकती है यानी सफलता आपको दिला सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिस कई बार ये मानकर चला जाता है कि आप कोचिंग अगर ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शायद बेहतर करें रादर देन कि अगर आप इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी अपनी कर रहे हैं, इज देयर एनी डिफरेंस? इसमें डिफरेंस हो जाता है कभी कभी, बिकॉज जो हालांकि जो कॉलेजेस होते हैं जहां से स्टूडेंट्स अपियर करना चाहते हैं गेट पे, ये सीधा उन कॉलेज के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगर 4 साल में सही पढ़ाई नहीं हुई है तो सेल्फ स्टडी करके गेट अपियर करने में बच्चे को हमेशा एक डिसएडवांटेज रहता है। तो उसमें एक अच्छी कोचिंग या कोई भी अच्छा रिसोर्स जहां से आप वो नॉलेज
गेन कर सकते हैं जो गेट ट्वेल्व पर रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक वो एक डिफरेंशिएटिंग रोल तो प्ले करता ही है बच्चों के लिए. दैट बीइंग सेड, सेल्फ स्टडी भी कोई गलत मोड ऑफ स्टडी नहीं है अगर आप अच्छे किताबों से अपने प्रिपरेशन को अप्रोच कर रहे हैं. बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं जहां से आपको लग रहा है कि वो नहीं गेन हो पाया जो होना चाहिए था उन चार सालों में, सो आई थिंक कोचिंग इज द राइट वे टू अप्रोच. अच्छी किताबें एज इन, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का कई और जब विषयों से जुड़ा हम बात करते हैं तो बहुत सारे दर्शक हमारे किताबों को लेकर जरूर पूछते हैं, तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? हालांकि अभी वक्त कम है लेकिन बावजूद इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया मैं सजेस्ट कर सकता हूँ. आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं जहाँ पे पूरा बुक लिस्ट दिया रहता है. ओके, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपने ब्रांच के रिलेटेड सारे बुक लिस्ट मिल सकते हैं जो कि रिनाउंड ऑथर्स के होते हैं जो हम भी रेकमेंड करते हैं. तो वहां से वो स्टैंडर्ड चीजें देख सकते हैं, या फिर हर कोचिंग की अपनी एक पोस्टल कोर्स आती है तो आप वो पोस्टल कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं. ठीक है, वेटेज सब्जेक्ट आप अगर थोड़ा और डिस्क्राइब कर दें हमारे व्यूअर्स को. वो ब्रांच बाय ब्रांच डिपेंड करेगा, तो मैं कुछ ब्रांचेस के लिए कुछ कीवर्ड बता देता हूँ. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो प्रोडक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हालांकि बहुत स्कोरिंग है और उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है. तकरीबन 21% नंबर हर बार गेट में उससे आता है. अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो पावर सिस्टम और मशीन्स पर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए बिकॉज तकरीबन 25-26% प्रतिशत नंबर गेट में हर साल इसमें आता रहा है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज 10-12% नंबर हमेशा इस चैप्टर से आ रहे हैं. और अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो जियोटेक नाम की जो सब्जेक्ट है उस पर उनका ज्यादा ध्यान होना चाहिए बिकॉज ये सब्जेक्ट काफी हैवी वेटेज का है. ओके, अमित हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, स्वागत है अमित जी, सवाल पूछ लीजिए. जी मैडम, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था सबसे कि इसकी गेट की एज लिमिट क्या होती है, गेट एग्जाम देने की एज लिमिट क्या होगी? जी बिल्कुल, ये एज लिमिट डिपेंड करता है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, बट हालांकि एक सेफ मार्जिन रहता है कि इसमें कोई एज लिमिट कभी आईआईटी ने डाला है नहीं. लेकिन हमेशा ये रिकमेंडेड रहता है कि 30 इयर्स के पहले ही आप गेट लिख ले. तो एज लिमिट का ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं गेट लिखने के लिए, आप गेट किसी भी एज पे लिख सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड ये रहेगा कि 30 इयर्स के पहले तक आप गेट लिखे. कई बार पीयर प्रेशर बहुत रहता है सर, लोग आपस में जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हमने तो ये सब कर लिया है, दूसरा स्टूडेंट शायद ऐसे रिएक्ट करे कि ये तो मैंने देखा तक नहीं है या छुआ नहीं है इसको मैंने बिल्कुल, तो इस पीयर प्रेशर से कैसे कोप अप करें? और ये क्योंकि वो टाइम है जब शायद इस तरह के डिस्कशंस हो छात्रों के बीच में, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? इस पीयर प्रेशर को कंस्ट्रक्टिवली लेना बहुत जरूरी है. जितना डिस्कशन विद्यार्थी आपस में करे उनको अगर कंस्ट्रक्टिवली लिया जाए तो उसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, उससे एक्चुअली में इंफॉर्मेशन बढ़ता है. तो हेल्दी डिस्कशन बिटवीन पीयर्स जहां पे लोग एडवांटेजेस एरियाज को डिस्कस करें गेट के रिलेवेंट पे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर ही रहेगा. उसको कंस्ट्रक्टिवली लेके चले तो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा. ओके, और अलावा इसके जो कंसेप्ट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपने किए हैं उसको आपने बताया कि रिवाइज करना है आपको, लेकिन कई बार हमने देखा है कि एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर भी स्टूडेंट्स हाथों में नोट्स लिए रहते हैं और लगातार मगअप करने की कोशिश करते हैं, इज इट राइट या फिर छोड़ देना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए? जी मैम, आई थिंक ये मैंने भी अपने करियर में देखा है व्हाइल आई हैव बीन एट एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ही गलत होता है, इस चीज से हमेशा रिफ्रेन करना चाहिए. तकरीबन एक दिन पहले ही किसी भी विद्यार्थी को अब अपने प्रिपरेशन को रेस्ट कर देना चाहिए, प्रॉपर स्लीप प्रॉपर डाइट के बाद फ्रेश माइंड से एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए. ओके, मोनालिसा ओडिशा से एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है मोनालिसा, सवाल पूछ लीजिए अपना. हेलो मैम, मैं ओडिशा से बोल रही हूँ. एक्चुअली मैं कटक नाम के डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई गेट की कोई कोचिंग सेंटर नहीं, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या हमको कोई हेल्प मिल सकती है? मैं 2012 के पास आउट हूँ. जी देखिए, बिल्कुल एक तरीका तो कोचिंग सेंटर्स का होता ही है जो गेट प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करती हैं, बट जैसे कि आप कह रही हैं कि आपके विद इन एरिया में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप जैसे मैंने पहले भी कहा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली फ्री लेक्चर्स ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं जो IIT के प्रोफेसर्स ने दिया है. मैं एक वेबसाइट का नाम देना चाहूँगा जो NPTEL नाम से जाना जाता है. यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर्स मिल सकते हैं जो कि IIT के एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स ही दे रहे हैं. That coupled with some standard books, I think you will do just fine.
ओके तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपको ऑनलाइन मिल जाएं, बस राइट क्लिक करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहां पर नहीं ले पाते हैं कोचिंग, और उनको अगर हम अपने ज़रिए कुछ टिप्स देना चाहें, जैसे ये कटक से जुड़ी वहाँ पर नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उन स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देंगे? सबसे पहला टिप्स मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि आपको जो जितने भी कोर्स आपका रहा है पिछले 4 सालों में, उनके आपको एक रेफरेंस बुक जो गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो हर किसी लीडिंग वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, तो वो बुक्स की सहायता से एटलीस्ट आप उस गेट को अप्रोच करना शुरू कर सकते हैं, एंड दैट शुड कपल विद सम फ्री वीडियो लेक्चर्स दैट इज अवेलेबल, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो ये दो चीज काफी इजीली आपको मिल सकता है। ठीक है, और वो आपको मदद भी कर देंगे। अनुराधा एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है अनुराधा, क्या है सवाल आपका? हाँ जी, मेरा बेटा अभी फर्स्ट ईयर है, बीटेक कर रहा है, बट ही इज इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है आगे? कंप्यूटर साइंस के लिए गेट इज वेरी अट्रैक्टिव, द रीजन बीइंग कि द कैंपस प्लेसमेंट जो आईटी में मिलता है किसी भी कंप्यूटर साइंस के एमटेक को, इट इज प्रिटी ह्यूज। व्हेन आई से ह्यूज, व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज दैट द एवरेज सैलरी ऑफ एन आईटी एमटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस वुड बी अराउंड 6 to 12 lakhs पर एनम, तो जो कि शायद जिस कॉलेज में अभी वो हो वहां से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गेट से ये चीज जो एक नया जो एक डोरवे खुलता है अपॉर्चुनिटी का, आई थिंक इट वुड हेल्प इन हिज फ्यूचर करियर। ओके, मध्य प्रदेश से पीयूष है हमारे साथ, स्वागत है पीयूष जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ मैम, मुझे जानकारी चाहिए थी कि गेट के थ्रू CIL रिक्वायरमेंट लेता है। CIL का आपने? CIL का जी बिल्कुल, कोल इंडिया लेते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने नहीं लिया है, बट वो हर बार वेरी करता रहता है। मेरा एडवाइस इसमें ये रहेगा कि आप PSU नोटिफिकेशन देखते रहें। ओके अच्छा, ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया पीयूष, आप जुड़े हमारे साथ बातचीत के, आपने धन्यवाद आपका। एक और, हालांकि देखिए थोड़ा मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, उस तरह की गलतियां शायद ये ना करते हों जो शायद 10th 12th में स्टूडेंट्स कर देते हों, एडमिट कार्ड्स और तमाम इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसको लेकर भी कई बार क्या ऐसा होता है यहाँ पर भी कि आपको टाइमली चीज़ें ना मिलें, क्योंकि ये भी एक दबाव रहता है कि अपनी वो वाली प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि एंट्रेंस आपको उसी से मिलने जा रहा है वहाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ये रहता है कि आप जो सेंटर्स में, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप अपने सेंटर पे एक दिन पहले ही चले जाए ताकि आपको रास्ता पता हो। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर्स काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन उस रश में कभी ना कभी उनको देरी हो जाती है, तो रिकमेंडेड ये रहता है कि वो जगह जहाँ पे वो है वो आइडेंटिफाई कर ले, एक दिन पहले ही चले जाए ताकि उन्हें पता हो कि रास्ता और रूट क्या है। दूसरा बात जो आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है कि अपने एडमिट कार्ड वगैरह वो लेके चले, और इसके अलावा जो चीज़ एक मेन चीज़ जो फोकस है जो मैंने पहले भी कहा है इसमें कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ये जो वक्त है इसका सही उपयोग इसी में रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टेस्ट देने में निकाले जो ऑनलाइन हो। ठीक है, क्योंकि पेपर हमेशा ऑनलाइन जी, जी। रामदेव एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है रामदेव जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ सर, मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड का हूँ, तो वी आर नॉट हैविंग एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर टेक्सटाइल, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए स्टैंडर्ड बुक्स तो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, हालांकि आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट IIT दिल्ली में टेक्सटाइल की पढ़ाई होती है, सो यू कैन कंसीडर द नोट्स फ्रॉम IIT दिल्ली। आई थिंक IIT बीइंग द होस्टिंग बॉडी फॉर गेट, यू कैन बेनिफिट अ लॉट बाय टेकिंग द नोट्स फ्रॉम IIT दिल्ली बिकॉज दे टीच टेक्सटाइल। ओके, एक और दर्शक दर्पण है हमारे साथ, स्वागत है दर्पण, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, ऐसा है कि मेरी बिटिया प्लस मेडिकल के एग्जाम देने वाली है PMP के, अगर PMP उसका क्लियर नहीं होता तो उसको आगे क्या क्या करना चाहिए प्लस टू के बाद? तो आपकी बेटी अभी मेडिकल से PMT लिख रही है? हाँ जी सर। तो उन्होंने मैथ्स लिया है अपने साथ या सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है? मैथ्स है। मैथ्स नहीं है सर। अगर मैथ्स नहीं है तो उनको तो मेडिकल में ही अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो अगर PMT में PMT में एडमिशन नहीं होता तो आगे क्या कर सकती है? BSc मेडिकल में कर कहाँ एडमिशन मिल सकता है? इस पे तो मेरा दो ही विचार रहेगा, या तो उनको दोबारा PMT अपियर करना चाहिए, बिकॉज मेडिकल में सही कॉलेज से पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेडिकल में कॉलेज में इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स के बहुत लगते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस, तो आई थिंक अगर एक बार और प्रिपेयर करे तो दैट शुड नॉट बी अ रॉन्ग वे टू अप्रोच इट। दैट बीइंग सेड, अगर लगता है कि अटेम्प्ट नहीं लिया जा सकता है
सो देर आर अदर प्राइवेट कॉलेजेस लाइक मणिपाल का कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है एंड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर उनको एग्जाम के लिए अपियर करना चाहिए. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल गया होगा. और क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि स्टूडेंट्स जो उनके बच्चे हैं वो अच्छा करें. ऑब्वियस है वो एस्पायरेशंस रहती हैं हर पेरेंट की कि ये हमारे बच्चे आगे से आगे जाएं. पेरेंट्स को भी क्या कोई सलाह देंगे क्योंकि उनकी तरफ से वो चाहते तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन वो कई बार उस चाहत में कई बार एक अननेसेसरी प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर, वो भी कभी माइनस रोल प्ले कर सकता है शायद. ये बिल्कुल सही कहा है आपने. पेरेंट्स कि एस्पिरेशंस अपने बच्चे से बहुत होती है और कहीं ना कहीं वो सही भी होता है बिकॉज वो हमेशा लगे होते हैं कि वो आगे उनका बच्चा आगे बढ़े. लेकिन इस वक्त पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन ऐसे 8 से 10 लाख लोग होंगे जो गेट लिख रहे होंगे और कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत स्टिफ है. तो अभी अपने किड को, अपने बच्चों को बैक करना बहुत ज़रूरी है, उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है. सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अपीयरिंग इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो द पेरेंट्स शुड ऑल्सो टेक इट इन द स्ट्राइड बिकॉज कॉम्पिटिशन वाकई में बहुत ज़्यादा है. 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिलिजेंस. और उम्मीद करते हैं कि जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े और जो दर्शक हमें देख रहे थे उन सबको अपने अपने जवाब मिले होंगे. फाइनल टिप्स कुछ फटाफट से हमारे दर्शकों के. बिल्कुल, स्टे काम. 15-20 दिन में मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, रिवाइज इट टू द फुल एंड ऑल द बेस्ट. ओके, शुक्रिया बहुत बहुत राकेश जी, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर, धन्यवाद आपका. तो आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही. एग्जाम है और एग्जाम जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं, तो एग्जाम से घबराना नहीं चाहिए. अपनी कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और अच्छे नतीजे की उम्मीद भी रखिए. फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार.